सो अब मैं आपको और एक आसान ट्रिक बताती हूँ फेस का ग्लो बढ़ाने के लिए। एट दिस स्टेज जब मेरी क्रीम ड्राई हो गई है तब मैं यहाँ वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ सिंपलीफाइड। सो टुडे आई एम हियर टू गिव अ रिव्यू ऑन दिस किट VLCC पपाया फ्रूट फेशियल किट। सो ये किट मैं हमेशा यूज करती हूँ इसलिए आज इसका रिव्यू आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एंड साइमल्टेनियसली आपको डेमो भी दिखाऊंगी। ओके ये पैराबेन फ्री सर्टिफाइड है तो जिनकी स्किन सेंसिटिव भी होगी एंड ड्राई होगी मेरी तरह वो भी ये यूज कर सकते हैं। इसके पीछे यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स पूरे लिखे हैं एंड यहाँ पे हर स्टेप का फायदा दिया गया है। ओके ऐसे बॉक्स पैकेजिंग में एज यू ऑल नो। ओके सो इसके अंदर ये वाली ट्यूब्स ये आती हैं इसके अंदर। ओके तो ऐसे हर एक ट्यूब पे यहाँ पे स्टेप नंबर लिखा गया है। ओके सो वैसे स्टेप नंबर के अकॉर्डिंगली हमें ट्यूब यूज करनी है विच इज रियली वेरी इजी। अगर किसी को कुछ फेशियल किट के बारे में पता भी नहीं होगा तो भी सिर्फ स्टेप्स देख के उठाना। एनी टाइम आई विल शो यू स्टेप बाय स्टेप हाउ टू डू फेशियल बाय दिस किट। ओके चलो लेट्स स्टार्ट। स्टेप नंबर 1 ये है कॉम्फ्री क्लींजर कम टोनर। सो ये हमें ऐसे स्मॉल स्मॉल डॉट्स में ऑल ओवर फेस एंड नेक अप्लाई करना है एंड बहुत जेंटली हमें इसे मसाज करते रहना है फॉर 1 मिनट। यहाँ पे आपको लग रहा होगा मैं बहुत हार्शली मसाज कर रही हूँ लेकिन ये फास्ट फॉरवर्ड है मैंने भी बहुत जेंटली मसाज किया था। ओके सो दिस स्टेप हेल्प्स डीपली क्लींस आवर स्किन एंड मिनिमाइजेस द पोर्स एंड मेक्स योर स्किन रेडी फॉर फेशियल। After 1 minute हमें इसे वाइप आउट करना है विथ वेट नैपकिन और वेट वाइप्स। Second step, this tube contains papaya seed scrub. इसके भी ऐसे ही small dots apply करने हैं all over face and neck and gently massage करना है for 5 minutes. So this step helps to remove superficial pigmentation and skin को even tone देती है। After 5 minutes, remove this scrub with wet napkin. Third step, इसमें है कुकुम्बर जेल। अप्लाई स्मॉल अमाउंट ऑफ जेल ऑन ऑल ओवर योर फेस एंड नेक, मसाज विद लाइट सर्कुलर एंड अपवर्ड मोशन। ये जेल स्किन में एब्जॉर्ब होने तक हमें मसाज करना है धीरे धीरे। इस जेल में वाटरमेलन एंड कुकुम्बर एक्सट्रैक्ट्स है जिसकी वजह से स्किन कूल एंड रिलैक्स फील करती हैं। सो ये स्टेप कंप्लीट होने के बाद फेस को ऐसे ही रहने दे। डोंट वाइप और वॉश योर फेस आफ्टर दिस स्टेप। फोर्थ स्टेप ये है पिच मसाज क्रीम। इसमें कोकोआ बटर एंड ऑलिव ऑयल होता है विच हेल्प्स टू डिटॉक्सिफाई आवर स्किन एंड दिस स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट इन फेशियल। आप जितना अच्छे से मसाज करेंगे उतनी ही आपकी स्किन अच्छे से ग्लो एंड रिलैक्स करेगी। ओके सो अब मैं आपको और एक आसान ट्रिक बताती हूँ फेस का ग्लो बढ़ाने के लिए। एट दिस स्टेज जब मेरी क्रीम ड्राई हो गई है तब मैं यहाँ ऐड करूँगी विटामिन ई की कैप्सूल्स। विटामिन ई कैप्सूल एंड दिस क्रीम टुगेदर हेल्प्स टू हाइड्रेट माय स्किन रियली वेरी वेल। मैंने पहले विदाउट विटामिन ई कैप्सूल भी फेशियल करके देखा है बट इतना ग्लो नहीं आता। ग्लो आता है ऐसा नहीं कि ग्लो आता ही नहीं बट अगर विटामिन ई कैप्सूल आप ऐड करोगे इस स्टेप में तो ग्लो बहुत अच्छे से आता है। ओके सो अगर आप ऐसे बोलोगे कि अगर ग्लो विटामिन ई से आता है तो फेशियल किट क्यों, तो ऐसा नहीं है। मैंने सिर्फ विटामिन ई से भी मसाज करके देखा है रिजल्ट उतना नहीं आता जो इस क्रीम के साथ विटामिन ई इस्तेमाल करने के बाद रिजल्ट आता है। सो मैंने यहाँ पे टोटल 3 कैप्सूल्स यूज़ करी है विटामिन ई की एंड पूरे 15 मिनट तक अपने फेस को अच्छे से मसाज किया है। फिफ्थ स्टेप ऑरेंज एंटी टैन पैक। दिस पैक हैज़ ऑरेंज पील ऑयल एंड AHA। इनका ऐसे कहना है कि इट हेल्प्स टू इम्प्रूव कॉम्प्लेक्शन बट ऐसा मुझे नहीं लगता कि इससे कॉम्प्लेक्शन इम्प्रूव होता है। लेकिन हाँ टैन फ्री हो जाता है एंड एक्सेस ऑयल जो होता है हमारे फेस पे वो ये पैक के वजह से रिमूव हो जाता है। दैट्स व्हाई आई एम अप्लाइंग दिस इन वेरी स्मॉल अमाउंट एज यू कैन सी
जिनकी स्किन ऑयली है वो इससे थोड़ा ज़्यादा अमाउंट अप्लाई कर सकते हैं। सो ये पैक ऐसे ही लगा के छोड़ना है फॉर 15 मिनट्स। एंड अगर हो सके तो मेडिटेशन कीजिए, क्योंकि जितना आप शांत रहेंगे एंड रिलैक्स रहेंगे उतना ही इसका असर होगा। आफ्टर 15 मिनट्स पैक जब ड्राई हो जाएगा इसे वेट नैपकिन से पोंछ लीजिए। स्टेप नंबर 6, ऑयल फ्री मॉइस्चराइजिंग जेल। सो ये जेल हमें जस्ट फेस पे अप्लाई करना है इन स्मॉल डॉट्स, और ये मॉइस्चराइजिंग जेल के साथ साथ एज अ सनस्क्रीन क्रीम भी काम करता है। तो ये लगा के सिर्फ छोड़ देना है इसे, इसके बाद फेस वॉश करना नहीं करना है, डिपेंड्स ऑन यू, नहीं किया तो भी चलता है। सो ओवरऑल फेशियल किट की हम बात करें तो ये किट मुझे क्यों पसंद है, क्योंकि इससे कोई एलर्जी नहीं आती एंड फेस पे ग्लो भी आ जाता है अच्छे से। एंड 193 रुपीज़ में 2 फेशियल तो आराम से हो ही जाते हैं। एंड इट सूट्स टू ऑल स्किन टाइप। सो अब हम देख लेते हैं बिफोर एंड आफ्टर फेस लुक। सो आई होप आपको मेरा ये रिव्यू अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।